हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पर्वत कंक्रीट धरन के फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे देखिए, आपको एक क्वेश्चन दे दिया है कि माना एक आरसीसी धरन कंडों की चौड़ाई 250 mm तथा इसकी प्रभावी गहराई 500 mm है। तो हमें क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि इसकी चौड़ाई बी इज इक्वल टू 250 mm तथा इसकी प्रभावी गहराई पे हमें दे दिया गया है कि डी इज इक्वल टू प्रभावी गहराई में दे दिया गया है डी बराबर 500 mm। तो देखिए, इसमें दे दिया गया है कि तनन क्षेत्र में 800 mm स्क्वायर का प्रवलन डाला गया है, अर्थात एस टी इज इक्वल टू 800 mm स्क्वायर। और दे दिया गया कंक्रीट एवं इस्पात में अनुमत प्रतिबल क्रमशः इतना इतना है, मतलब सिग्मा सी बी इज इक्वल टू 7 newton प्रति mm स्क्वायर, और यहाँ से सिग्मा एस टी 230 newton प्रति mm स्क्वायर। तो यहाँ पर गिवन है m इज इक्वल टू 30 और पार्ट की लंबाई, हमारा जो पार्ट है शुद्ध पार्ट की लंबाई हमारी है इज इक्वल टू यहाँ पर दिया गया 4 meter। तो देखिए, जैसे हमें इसमें दे दिया गया है बी डी दिया गया है, डी दिया गया है, सिग्मा सी बी दिया गया है, सिग्मा एस टी दिया गया है। तो इसमें देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, एम आर हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है प्रतिरोधी क्षमता प्रतिरोधी आघूर्ण होता है, तो हमें एम आर फाइंड करना है। तो हमने अपने पिछले वीडियो में एम आर को फाइंड करने के लिए उसके जितने चरण होते हैं, जितने उसके नियम होते हैं, हमने बताया है और एक क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है। तो अब अगर आप नहीं देखो हमारे वीडियो को जाकर देख लो। तो हम क्या करते हैं, इसके स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप जो हमारा होता है, फर्स्ट स्टेप में क्रांतिक बल शून्य रेखा ज्ञात करते हैं, रेखा ज्ञात बाद क्रांतिक बल शून्य रेखा हमारा जो एक्स इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला एम सिग्मा सी बी इंटू डी एन सिग्मा सी इंटू डी अपान एम सिग्मा सी बी प्लस सिग्मा एस टी। तो यहाँ पर हमें यह बराबर पता है, ये 13 दिया गया, 13 एम सिग्मा सी बराबर 7 इंटू डी बराबर 500, यहाँ से एम इज इक्वल टू 13 सिग्मा सी बी बराबर 7 प्लस यहाँ से सिग्मा एस टी बराबर दिया गया 230। ठीक, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा, एक्स इज इक्वल आ जाएगा 142 mm। ठीक, फिर हमारा जो ये हमारा स्टेप हो गया फर्स्ट, तो स्टेप हमारा आता है सेकेंड। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, वासिक बल शून्य का ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो वासिक बल शून्य का हमारे ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है बी एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एम ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स। तो हम अपने इस फॉर्मूले में पुटअप कर देते हैं। देखिए, इसे हमें बी का वैल्यू हमें पता है कि हमारा b बराबर है 250 एक्स स्क्वायर बाई टू, एम इज इक्वल टू हमें पता है 13 और यहाँ से एस टी इज इक्वल टू गिवन है 800 इंटू डी इज इक्वल टू 500 माइनस एक्स। यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा आ जाएगा x इज इक्वल टू 167 mm। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारा एक्स इज इक्वल टू हो गया और ये हमारा एक्स सी। तो हमें पहले क्या होता है, दोनों में हमें इसे कंपेरिजन करना होता है, तुलना करना होता है कि हम देखते हैं कि हमारा कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। इससे पता चल जाता है कि हमारा जो ये हमारा प्रबलित कंक्रीट खंड है ये अप्रबलित है या फिर प्रबलित है या फिर हमारे जैसे संतुलन में है। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक्स जो हमारा है एक्स इज ग्रेटर देन एक्स सी। ठीक है, तो एक्स हमारा जो क्या है ग्रेटर देन एक्स सी है। तो जो हमें तो फिर हमारा जो चौथा स्टेप हो जाता था, चौथे स्टेप में हम क्या करते थे, ये एमआर याद करना होता। तो जो हमारे एक्स इज ग्रेटर देन एक्स सी होता है, इसके लिए जो एमआर होता है ये हमारा जो हो जाता बी एक्स सिग्मा सी बी बाय टू इंटू डी माइनस एक्स बाय थ्री। ये जो हमारा कंडीशन ये रहेगा, जब एक्स हमारा ग्रेटर देन होता है एक्स से, तभी हम इस वाले फार्मूले को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें ये हमारा एम बी बराबर दिया गया है
250 x बराबर हमने बताया था कि वहाँ पर ऑसीबल सुन लिखा कि जो हमारा ये माप वैल्यू आई थी उसको हम x के स्थान पे लेते हैं तो 167 और इनटू ये हमारा सीमा c बराबर में दिया गया है 5 7 दिया गया बाय 2 इनटू d बराबर हो जाएगा 5500 माइनस 167 बाय 3 इस तरह से देखिए आगे अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे एमआर की वैल्यू आ जाएगी 1 kg/m ठीक है 1 kg/m आ गया तो अब हम इसे क्वेश्चन में जो हमें दे दिया गया था यहाँ ये क्वेश्चन यहाँ देखते उसे हमने क्वेश्चन में सॉल्व किया अब इन्होंने कह दिया कि यदि धरन पार्ट पर 4 mm वाले धरन पार्ट हमारे क्या 4 मीटर का है और धरन पर प्रति मीटर लंबाई पर सुरक्षित संपीड़ित भार की गणना करना है तो मतलब इसे हमारा मान लीजिए कोई बीम है इस तरह से कोई बीम है ठीक है तो इस पर जो हमारी लोड लग रहा मान लो ये लोड लग रहा टोटल 2 kg/m टोटल लोड है ठीक है तो अब इसका जो स्वयं का भार है इसमें घटा के तो हम क्या कर सकते हैं इसका जो मेन जो हमारा भार होगा जिसमें हमारा संबंधित भार जो होगा उसको हम फाइंड कर सकते हैं तो इसके लिए क्या करते हैं पहले हम कि माना ये हमारा सिस्टम मान लीजिए 4 हो जाएगा माना हमारा जो धरन है पर W किलोग्राम प्रति मीटर का कुल भार आ रहा है ठीक है तो मान लिया हमने अपने मान लिया जो हमारा धरन है 4 मीटर पार्ट का उसमें हमारा जो भार आ रहा है डब्ल्यू किलोग्राम प्रति मीटर है तो इसके लिए जो हमारा अधिकतम बंकन आघूर्ण होगा अधिकतम बंकन आघूर्ण हमारा यम इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 kg/m ठीक है तो हमें यहाँ पर जो हमें ये W में फाइंड करना है ठीक है हमें इससे पता चल जाएगा कि हमारे ये बाहर पता चल जाता फिर इस बाहर से हम क्या करते हैं अपना इसे उसका स्वयं का भार निकाल के माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा तो यहाँ से देखिए हमें यम क्योंकि हमने यम अगर देखिए हमने पढ़ा था कि एक हमारा इक्वेशन होता है मतलब माना गया है कि यम इज इक्वल टू होता है यम आर पंकन आगुण प्रतिरोधी आगुण के बराबर होता है तो हमने यहाँ पर निकाला है एम आर इज इक्वल टू हमें पहले यहाँ से पता किया है कि हमारे यहाँ से होगा 6492.34 तो यहाँ से हम यम की वैल्यू रख देंगे ठीक है तो 6,034 ठीक इज इक्वल टू अब यहाँ से देखिए डब्ल्यू इंटू एल एल बराबर हमें गिवन है 4 तो 4² / 8 तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो डब्ल्यू इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 3246 ठीक दूसरा से हमारी ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 46 kg/m ठीक किलोग्राम प्रति मीटर आ जाएगा फिर हमें क्या करना होता है कि हमारा मान लीजिए कोई ये ऐसे बीम है यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट इनका है ये 4 मीटर है तो संबंधित भाग जो होता है यूडीएल होता है तो यूडीएल मान लीजिए इसमें कितना है डब्ल्यू किलोग्राम प्रति मीटर है यहाँ से 5 मीटर इतना भार है तो हमें क्या ज्ञात करना होता है पहले इस बीम का हमें स्वयं का भार ज्ञात करना होता है स्वयं का भार ज्ञात करने के लिए ये देखिए धरन का प्रति मीटर स्वयं का भार ज्ञात करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है फॉर्मूला होता है 1 × b × D कैपिटल इसकी जो होती है शुद्ध गहराई पूरा मतलब उसकी टोटल गहराई होती है हमारी बीम की 2500 ठीक है ठीक है किलोग्राम में त्यागर 2500 ले रहे हैं तो हमारे जैसे हमें क्वेश्चन में दिया गया 1 × 1 है ही बी बराबर हमें दिया गया कि 250 mm ठीक है 250 mm को हम चेंज कर लेंगे मीटर में तो हो जाएगा 0.25 × D ठीक देखिए जिसे हमें क्वेश्चन में स्मॉल डी बराबर दिया गया है स्मॉल डी बराबर दिया गया है 500 ठीक है तो यहाँ पर हम प्रभावी आवरण मान लेते हैं माना प्रभावी आवरण हमारा कितना है 50 mm तो 50 mm का हमारा जब ये होगा कैपिटल डी इक्वल टू होता है स्मॉल डी प्लस प्रभावी आवरण ठीक है तो स्मॉल डी हमारा जगह यहाँ से देखिए 500 प्लस 5 हो जाएगा 550 mm चेंज करोगे इसको आप मीटर में आप चेंज करोगे तो आपका हो जाएगा 0.55 × 2500 तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 344 kg ठीक है तो जो हमारा देखिए अब हमारा जो कि इसलिए
धरन पर, इसलिए धरन पर जो हमारा अधोरोपित भार होता है भार जो होगा अधोरोपित भार, देखिए स्वयं का भार जो घटा देंगे, जैसे टोटल भार हमने निकाल लिया था तो टोटल भार हमारा ये हो गया, टोटल भार में से अधोरोपित जो हमारा स्वयं भार अगर निकाल देंगे तो हमारा जो उस पर अधोरोपित भार होगा वो हमें ज्ञात हो जाएगा। यहाँ से देखिए हमारा ये हो जाएगा -344, तो सॉल्व करवा जाएगा 2902 किलोग्राम मीटर। ठीक है, या तो आप चाहो कि इसको आप चेंज भी कर सकते हो, यानी कि यहाँ सबको दे दिया गया है कि किलोग्राम किलोग्राम मीटर में आपको दिया गया है, तो किलोग्राम मीटर को आप चेंज कर लो, तो यहाँ से हो जाएगा 2900 इतना न्यूटन पर एमएम। किलोग्राम जो चेंज होता है तो इसमें क्या 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूटन में चेंज होता है तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा ये न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको अच्छे से हमारा वीडियो समझ में आ रहा तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।